हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहा है सुबह का 6:30 और मैं उठ चुकी हूँ। उठ कर के मैंने अभी थोड़ा सा नाश्ता बना लिया था और ये देख सकते हैं 6:30:05 हो चुका है। और आज थोड़ा सा लेट उठे हैं हम लोग क्योंकि आज इनको थोड़ा सा लेट ऑफिस जाना है, इसीलिए। बस देखिए बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ सुबह की 6:30 का। मेरे इधर काफ़ी अच्छा उजाला हो गया है अभी क्योंकि धीरे धीरे गर्मियाँ आ रही हैं तो उजाला अच्छा हो जाता है। और अब मैं बना रही हूँ ब्लैक टी और एक तरफ मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर आलू काट लिए हैं और टमाटर भी काट लिए हैं, वो मसाला भुन रहा है एक साइड। कुकर में बना रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है, जल्दी जल्दी कुकर में बना लेती हूँ इनके टिफ़िन के लिए। और अब मैं यहाँ पर ब्रश कर रही हूँ, सब्ज़ी बन चुकी है, रोटी भी बन चुकी है मेरी टिफ़िन के लिए हस्बैंड के। और देखिए मैं फेस वॉश कर रही हूँ और इसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी क्योंकि सुबह के टाइम पे काफ़ी बिजी बिजी होता है, इसलिए मैं टिफ़िन पहले रेडी कर देती हूँ हस्बैंड का, उसके बाद ही सारा काम करती हूँ। तो ये देखिए मैं नहा कर आ चुकी हूँ, अब मैं तैयार हो जाती हूँ फटाफट से। और यहाँ पर मैंने सिर में थोड़ा सा लिवॉन लगाया है क्योंकि सिर धोया था, तो उससे क्या है लिवॉन लगाने से बाल जल्दी सुलझ जाते हैं और ज़्यादा बाल झड़ते भी नहीं हैं, टूटते भी नहीं हैं। तो बस लिवॉन से मैं लगा करके उससे बाल सुलझा लूँगी सारे के सारे, क्योंकि गीले बाल सुलझा लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, नहीं तो फिर बाद में सुलझते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वेजिटेबल सैंडविच बना रही हूँ और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा एक बार घर में ज़रूर बनाकर, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं कैसे वेजिटेबल सैंडविच बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कुकुम्बर जो कि खीरा होता है, उसे ले लिया है सैंडविच। वेजिटेबल सैंडविच बना रही हूँ उसके लिए सारे जो भी सब्जियाँ आप यूज़ करते हैं सलाद वगैरह की वो आप ले लें यहाँ पर। और मैंने तो यहाँ खीरा लिया है, एक टमाटर लिया है क्योंकि दो जन हैं तो नाश्ते के लिए दो सैंडविच ही बनाऊँगी मैं एक एक, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाएगा नहीं तो। और यहाँ पर मैं इन्हें गोल गोल काट लूँगी क्योंकि नॉर्मल तरीके से बना रही हूँ, ज़्यादा कोई हैवी नहीं बना रही हूँ। एक पत्ता गोभी का थोड़ा सा पीस काट करके उसे ले लिया है और प्याज भी गोल गोल काट लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने लिया है ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड नहीं लिया है, ब्राउन ब्रेड हेल्थ के लिए अच्छा होता है इसलिए ब्राउन ब्रेड ले लेती हूँ मैं। और यहाँ पर इसमें मैं मेयोनीज लगा लूँगी सबसे पहले, तो मेयोनीज लगा लेते हैं इसके ऊपर, चम्मच से फैला लूँगी मैं मेयोनीज। तो बस मेयोनीज लगा लें, अगर आप लोग मक्खन खाना चाहें तो मक्खन लगा लें, और मक्खन अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं इसलिए मैं मेयोनी लगा लेती हूँ। मेयोनी काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में और सैंडविच वगैरह में और भी अच्छा लगता है, तो बस वही लगा लूँगी मैं धीरे धीरे इनमें, चारों ब्रेड में वही लगा कर। और फिर मैं इसके ऊपर सॉस भी लगा लूँगी, तो आप लोग देखते जाइए। वो सैंडविच काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए वेजिटेबल सैंडविच, इसमें आलू वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं, सिंपल सा टेस्टी सा सैंडविच बना रही हूँ बस, सिंपल सा। इसमें आलू का मसाला नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सुबह के टाइम ज़्यादा टाइम नहीं रहता है मेरे पास, अभी बेटे को भी उठ जगाना है, उसका स्कूल है, आज एग्ज़ाम है, तो बस उसी के लिए मैं फटाफट से नाश्ता रेडी कर रही हूँ अपना। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने यहाँ किसान का टोमेटो सॉस ले लिया है थोड़ा थोड़ा सा, चारों ब्रेड पर मैं फैला लूँगी इसे। और आप लोग चाहें तो टोमेटो सॉस ना डालें क्योंकि थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है, इसलिए मैं इसमें टोमेटो सॉस भी डाल लेती हूँ। कभी कभार बनाती हूँ सैंडविच, रोज़ नहीं बनाते हैं हम लोग, कभी कभार मूड हो जाता है, जल्दी में रहते हैं तो यही बनाकर खा लेते हैं, फटाफट से बन जाता है और बहुत ही ईजी है ये। तो बस इसमें वेजिटेबल्स इसमें जैसा शेप है उसके हिसाब से जमा लूँगी मैं, ज़्यादा कुछ अच्छे से आता नहीं है बनाते मुझे, पर जैसा भी आता है आप लोगों को दिखा रही हूँ, बस मन हुआ कि आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो बस उसी के हिसाब से मैं इसमें जमा लूँगी और हल्का सा नमक डाल दूँगी। आप लोग काली मिर्च भी डाल सकते हैं और मैं और भी मसाले होते हैं पिज़्ज़ा मसाले, वो भी ऐड कर सकते हैं। अब एक तवे पे मैंने घी लगा लिया है, उस पे मैं सैंडविच को रख दूँगी और इस सैंडविच को बिल्कुल धीमी आंच पर दोनों साइड से पका लूँगी, तो मेरा सैंडविच कुरकुरा सा होकर के रेडी हो जाएगा। ऊपर से भी मैं थोड़ा सा घी लगा देती हूँ और ये देखिए सैंडविच बिल्कुल रेडी है और यहाँ पर सैलेड भी रेडी है, तो आप लोग भी खा लीजिए ब्रेड सैंडविच। और यहाँ पर देखिए मेरा बेटा उठ चुका है, अब वो ड्राइंग कर रहा है, स्कूल की तैयारी करूँगी मैं उसके,
तो बस उसको स्कूल भेजने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ देखिए मैंने उसको स्कूल के लिए रेडी कर लिया है और वो अभी टीवी देख रहा है। उसका फेवरेट सीरियल है पेपा पिग, तो वही देख रहा है वो। अब इसके बाद मैं उसे स्कूल के लिए छोड़ने जाऊँगी। उसके बाद आपको मैं लिपस्टिक कलेक्शन दिखाऊँगी अपना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अपना बैठे बैठे मैं ड्रेसिंग टेबल जमा रही थी, तो सोचा कि आप लोगों को अपना लिपस्टिक कलेक्शन दिखाती हूँ। तो चलिए मैं एक एक करके सारी लिपस्टिक कलेक्शन आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरी सारी लिपस्टिक्स, ये देख सकते हैं आप। तो एक एक करके मैं इनका कलेक्शन आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा क्या है। और चलिए, तो ये फर्स्ट लिपस्टिक है, ये है मेरी हुडा ब्यूटी की है। इसका अभी अलग से मैंने दिखाया था। और ये देखिए रेड कलर की है, एकदम डार्क रेड कलर की है ये। तो इसका एक एक मैं अभी टिश्यू पेपर पे आपको कलर दिखाती जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे ये फेवरेट लिपस्टिक कलेक्शन है। इनके अलावा भी और भी हैं मेरे पास, लेकिन मैं अभी थोड़ी सी यहाँ पर दिखा रही हूँ जो मेरे फेवरेट हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लैक्मे का है, ये हुडा ब्यूटी की है। ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छा कलर है और रेड कलर में ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि रेड कलर मुझे बहुत पसंद है। ये भी रेड कलर का है, ये पिंक कलर के हैं। रेड और पिंक कलर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए रेड और पिंक कलर के ही अधिकतर कलेक्शन मिलेंगे मेरे पास आपको। और लाइट पिंक भी बहुत पसंद है, इसलिए लाइट पिंक भी कलर है मेरे पास, और रेड ज़्यादा है ये देख सकते हैं आप। और सारे अच्छी अच्छी क्वालिटी के हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल ऑरेंज कलर का है और ये भी लिपस्टिक है एक, जो कि मैट में है। और ये बहुत ही क्रीमी लिपस्टिक है, इसका स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है। ये लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। और ये ट्रांसपेरेंट टाइप की है और इसे लिप्स पर लगाने से बहुत ही अच्छा सा अरोमा आता है, अच्छा सा फ्लेवर आता है, जो मुझे बहुत पसंद है। और ये लिपस्टिक बहुत ही पसंद है मुझे क्योंकि इसमें कुछ अलग ही वैरायटी है। और ये लिपस्टिक काफ़ी महंगी भी आई थी, बहुत महंगी थी, ये करीब 500-700 रुपए की थी, मुझे याद नहीं है। तो थोड़ा टाइम हो गया है इसे, तो ये मुझे बहुत पसंद है। और नेक्स्ट है, ये ट्रांसपेरेंट लिपस्टिक्स हैं। और भी दिखाती हूँ मैं एक एक करके आप लोगों को। तो ये ऑरेंज कलर की है, ये शायद लोकल ही है, इसका कोई ब्रांड नहीं है शायद। और ये लिपस्टिक भी महंगी थी थोड़ी सी, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिपस्टिक है और लिप्स पर लगाने से अच्छा सा अरोमा भी आता है और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है इसका। तो ये लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है, इसे मैं रेगुलर घर में भी यूज़ कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये रेड कलर की लिपस्टिक है और ये थोड़ा सा कॉफ़ी कलर है, डार्क कॉफ़ी कलर। और ये भी रेड कलर की लिपस्टिक है, ये लैक्मे की है। और ये सारी ये जो लिपस्टिक लाइन से रखी हैं, सारी लैक्मे की हैं। तो इन्हें मैं सब एक एक करके आप लोग को दिखाती जाऊंगी। और ये जो है, ये भी लैक्मे की है और ये ऑरेंज कलर की है जो लिक्विड वाली है। और ये कौन सा दूसरा ब्रांड है, लेकिन ये और ये वाली हुडा ब्यूटी की हैं। तो सारे कलर्स आप लोगों को मैं एक एक करके दिखाती जाऊंगी, आप लोग देखिएगा प्लीज़। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, इनके बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट करके बताइएगा। मैं सारी लिपस्टिक के बारे में अलग से डिटेल्स दे दूंगी आप लोगों को, ये सब लोकल मार्केट से ही खरीदी है मैंने। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।